आपको मिलाते हैं हमारे राजकुमार जी हैं विजय वर्मा जी। क्या बात है, पूरा फील ले रहे हैं। देखो गाइस आज चढ़ चुके हैं ऊपर, चढ़ते चढ़ते और देखो कितना ऊपर आ गए हम लोग। इसी पे स्प्रिंग लगा के देखो, दोनों साइड स्प्रिंग है और कितना अच्छा बना। इससे आइडिया लो, हम आगे जाके इसका बिजनेस भी कर सकते हैं। सेकंड लोकेशन पे आए हैं और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ बहुत ही यूनिक चीज। ये देखिए मेरे बैग में कमल के फूल। नीतू जी जिद कर रही थी कि मुझे पानी में जाना है, मैं मना कर रहा हूँ। मैंने कहा नहीं ऐसे अच्छा नहीं लगता। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम लोग उठ गए हैं, अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और एक नया नया मेहमान आया है देखो, पिंपल। और ऐसे टाइम पे तो ये सब होता ही है। तो गाइस विजय जी गए हैं नहाने, वो किसी स्कूल में इनवाइट हैं। और गाइस अभी मंगवा लेते हैं चाय, क्योंकि सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले चाय बहुत ज़रूरी है। रात को हमने डिनर कर लिया था, उसके बाद हम सो गए थे। आज का देखते हैं प्रोग्राम कैसे सेट रहता है। इवनिंग में प्रोग्राम स्टार्ट है शाम को 7 बजे, उससे पहले देखते हैं क्या शेड्यूल रहता है हमारा। अभी तो जस्ट उठे हैं और चाय की वेट हो रही है, चाय आती है, थोड़ा फ्रेशअप होते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों ब्रेकफास्ट हो गया है हमारा, अभी सबने ब्रेकफास्ट कर लिया है होटल में ही। ओह नो, नो पानी। तो गाइस अभी करेंगे थोड़ा रेस्ट। आपके ग्रुप के सब ठीक हो जाए इस तरीके? हाँ ग्रुप आ रहा है, डांस ग्रुप आ गया है जैसा कि आप लोग पीछे देख रहे हो। मिलवा देती हूँ मैं आपको, ये है सुरेश। आप एक चीज बोल रहे हो आज, छोटा विजय का है याद नहीं, याद नहीं बताऊँ छोटे प्रोग्राम का ये आप मतलब हेलो, मेरा नाम अंकित है। अब ये सब मिलके प्रैक्टिस करेंगे रात के प्रोग्राम की, अगर ही चलते हैं रूम में। तो दोस्तों मैंने अपना रूम आपको अभी तक नहीं दिखाया जहां हम रुके हुए हैं, और दोस्तों जैसा कि हमने दिखाया था ग्रुप आ चुका है, वो लोग रेडी हो रहे हैं, थोड़ा फ्रेश फ्रेश होंगे और हम लोग जा रहे हैं अभी नीतू जी और मैं कहाँ पे लोकेशन में। यस शूटिंग के लिए थोड़ा फ्री टाइम था। हाँ तो यहाँ पे ना वो है हमारे जानकार हैं एक भाटी जी। हाँ। और वो अब आ गए हैं और वो हमें लेकर के जा रहे हैं 2-3 जगह पे, और फिर हमें टाइम से वापस भी आना क्योंकि आ करके हम लोगों को रेडी भी होना है। दोस्तों
आग है ना नीचे जाएगा। क्या बात है दोस्तों, होटल में आदमी जाता है करीबन करीबन 2,500 से 3,000 रुपये पे करता है, जब जाके गद्दे वाला बेड मिलता है। इसी पे स्प्रिंग लगा के देखो, दोनों साइड स्प्रिंग है और कितना अच्छा बना। इससे आइडिया लो, हम आगे जाके इसका बिजनेस भी कर सकते हैं। फ्यूचर प्लान। इस पे कपड़ा डाल देते हैं, ठंडे हो जाते हैं। और सर्दियों में तो बहुत ही अच्छे होते हैं। देखिए ऊपर स्विमिंग पूल, राजस्थान में पानी दिखता है तो अलग से ही लगता है। इनके खेत भी हो गए पीछे, फिर पास में एक लोकेशन जल्दी तैयार हो रही है। दोस्तों नीतू जी जिद कर रहे थे कि मुझे पानी में जाना है, मैं मना कर रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, ऐसे अच्छा नहीं लगता। अच्छी बात नहीं से पत्थर काट रखे हैं नीतू, रखा है कि जैसे 1,000 रुपये पर बंदे की एंट्री है। 1,000 रुपये में वहाँ पूरा दिन खाना, दो तीन बार खाओ, दो तीन बार, और खाना भी अलग अलग टाइप का, अलग अलग स्टॉल बनी हुई है। जयपुर में भी ऐसे चाहो तो चूरमा खाओ, देसी खाना खाओ, ऐसे रिजोर्ट टाइप है। और शूटिंग कर रही है तो शूटिंग के हिसाब से सारा टाइमिंग थोड़ी सेट हो जाती है वहाँ पर। पानी का टेस्ट भी अलग सा ही है ना? हाँ जी भाई। भाई वो भटियाबाद में ना, वो चूड़ी मार्केट है बना हुआ नीचे पीछे, ऐसा कुछ ऐसा बनाने का प्लान है। गोड़ी है इनके लिए, वो तो भी आप बनाने का भी लगी है। यहाँ भी तालाब बना रहे हैं नीचे, डिजर्ट का रास्ता, पानी का तालाब होगा। टेडी कर दिया, देखो नहीं सर, 4x4 है ना वो। फोर बाई फोर है वो, सर वो चली जाती है इनसे। कौन सी? अपनी वाली महिंद्रा है ना। हाँ सारी गाड़ी है यहाँ पे, मिट्टी आ गई।
हुआ है, जैसे बर्फ आगे तक आ जाती है स्टैंड बना हुआ कार स्टैंड पार्किंग, हम लोग यही सब गाड़ियाँ रखते हैं। दोस्तों देखो दूर तक रेत ही रेत नज़र आएगा आपको, और अब हम यहाँ पहुँच गए हैं। ये पूरा का पूरा डेजर्ट का इलाका है, यहाँ पर टेम्परेचर भी हाई, टेम्परेचर तो हाई है, बाकी और भी सुविधाएं हैं जैसे रोड है, ऊंट गाड़ी है, इन सब पे जो है यहाँ पे रेंटल आपको मिल जाएगा तो सुविधा है। और हम लोग तो शूटिंग करते हैं, पूरा जो है शूटिंग के लिए बेस्ट है। और ये अमनदीप बता रहे हैं आपको, ये देखो कितने सुनहरे, वो क्या नाम वाइट वाइट से लग रहे हैं जैसे रेत पे बर्फ पड़ी हो। ये देखो भाई, और ये पीछे दो ब्लॉगर और हैं। हाँ जी, इधर आओ, लोकेशन उस साइड दिखेगी सर आपको, लोकेशन आगे से दिखेगी। नीतू जी का हाल बुरा हो गया है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। देखो गाइस सांस चढ़ चुके हैं ऊपर चढ़ते चढ़ते, और देखो कितना ऊपर आ गए हम लोग पूरा। एक चीज और दिखाऊंगा मैं, ये जो एक रास्ता हमारे सामने बना रखा है अमनदीप, एक बार साइड होना, ये जो रास्ता है पूरा का पूरा, और आपको जो ये दिखाई दे रही है गैलरी से जो बना रखी है, आर्टिफिशियल है, ओरिजिनल यहाँ पे मतलब कोई भी नहीं है, आर्टिफिशियल लगा रखे हैं, पूरा रास्ता बना रखा है, बहुत खूबसूरत लगता है। और ये आर्टिफिशियल लग भी नहीं रहे, मुझे तो अभी अमनदीप ने बताया कि आर्टिफिशियल है, तो आर्टिफिशियल लग भी नहीं रहे दोस्तों। दूर दूर तक कोई गांव नहीं है, आसपास पूरा डिजर्ट एरिया, और हमारा पॉपकॉर्न बन चुका है यहाँ पे। बहुत गर्मी है गाइस, बहुत गर्मी। तो जी लोकेशन देख लिया, हम लोग निकल रहे हैं अभी यहाँ से और चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। देख सकते हो बहुत हाई टेम्परेचर, आराम से निकाल दी। हमने बड़ी बड़ी गाड़ियां निकाली, ये भी आज निकाली। देखो दोस्तों हम सेकंड लोकेशन पे आए हैं, और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ बहुत ही यूनिक चीज। ये देखिए मेरे बैग में कमल के फूल, फर्स्ट टाइम यहाँ से मैंने देखा है कमल के फूल उगे हुए। आपको क्लोज जाके दिखाती हूँ, काफी बड़ा होता है ये ना, खिले नहीं हुए गर्मी की वजह से, हाँ सिकुड़े हुए हैं, देख के तोड़ के कौन सा टूट गया, दिखाई नहीं है, तोड़ रखे हैं सारे ना, अपने आप ही झड़ गई। कीचड़ में कमल होता है, देखो कितना गंदा पानी है, फूल कितना अच्छा है, पूरा तो कोई नहीं खिला हुआ ना, सब बंद है, गर्मी यूज़ तो रही है। अमल क्या बात है, क्या लोकेशन है। ये यहाँ झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, छतरी जिनको यहाँ बोलते हैं, यहाँ पे भी बहुत अच्छा शूट हो सकता है गाइस। और अभी हम थोड़ा लेट हो रहे हैं प्रोग्राम के लिए, क्योंकि जाके रेडी भी होना है, लंच भी करना है, तो निकलते हैं यहाँ से।
एक मंदिर है गाइस, कल्याण सिंह जी, जन्म 6 जनवरी 1519, कर्मवास 24 जनवरी 1500। काफी पुराना लग रहा है ये गाइस। और एक ये काफी यूनिक चीजें हैं तो दोस्तों, एक और लोकेशन पे हम लोग आ ही गए हैं। क्या क्या बात है, हवेली। सब हिस्टोरिकल चीजें राजस्थानी। हाँ ये फैन, ये भी पहले का होगा ना, ये बाहर वो टेबल जो कहते हैं वो है बार के लिए। हाँ बार टेबल, किचन किचन है ये पुराने जमाने का। अच्छा आपको मिलाते हैं हमारे राजकुमार जी हैं, विजय वर्मा जी। क्या बात है, पूरा फील ले रहे हैं। सर विजय जी आपने कब बनाया था ये? ये एक्चुअली क्या है कि प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, ध्यान नहीं रख पा रहे, आराम करने आते हैं। ये देखिए संदूक, एक सेकंड एक सेकंड, ओ माय गॉड, छत सीलिंग देखिए, कपड़े की है ये, कपड़े का है ये। ये सब एंटीक पीस हैं। ये देखो ये लैंप टाइप का, उस टाइम की बना रखी है, पहले की थी, पहले की ये टाइम की है। ये फोटो भी काफी पुरानी है, राज परिवार की है ये, जैसे राजा के सेनापति और वगैरह होते हैं ना, सेनापति टाइप के उनके ही, जो राजा के सेनापति है ना उनके ही, ये रहने के मैं राजा मारे थे उनके जो सेनापति। अच्छा। मैं मंत्री ऐसे म्यूजियम, ये चेयर्स नहीं देते, ऐसे नहीं आने देते एंट्री में, ये बच्चा गढ़ के अंदर तो बहुत एंटी एंटी चीजें अभी तक गढ़ के अंदर, किले के अंदर नहीं, ये पास अवेली इतनी है बस नहीं, इधर और